कि संबंध हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में होगा। हमने कहा कोई रिलेशन है, मान लीजिए कोई रिलेशन है जो ए से बी में जा रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, बी में, ठीक। या ये ऐसे भी हो सकता है कोई रिलेशन बी से ए में जा रहा है, ए से बी में, अर्थात एक समुच्चय ए होगा दूसरा समुच्चय क्या होगा, बी। तो इसको हम कह देंगे ये ए गुणे बी लेके आएगा, क्या लेके आएगा, ए गुणे बी। अगर ये बी से ए में है तो ये बी गुणे ए लेके आएगा, कन्फर्म है। अथवा एक रिलेशन ऐसे भी होता है जहां से अधिकांश क्वेश्चन आपका बनेगा कि आर इज सच दैट, आर इस प्रकार है कि आर जो संबंध है ए से ए में है, ए से ए में है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसी को पकड़ के चलेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्लियर है ना एकदम से, कि आर जो रिलेशन है ए से बी में होगा, इसका मतलब ए क्रॉस बी। जब R जो संबंध है B से A में जाएगा तो कहेंगे B क्रॉस A, और जब R A से A में जाएगा, A से A में जाएगा, तो यही वाला क्वेश्चन आपका अधिकांश देता है। तो हम सबसे पहले इसी को पकड़ के चलेंगे। और आपको ये बता दे रहे हैं कि यूपी बोर्ड हो या IIT हो, कोई भी हो, यही तीन प्रकार के संबंध आते हैं। कौन कौन संबंध, अभी हम दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिए, सममित संबंध, कैसा संबंध, सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध। ये संबंध अभी 10 मिनट में क्लियर कर दे रहे हैं हम आपका। सममित संबंध, सममित संबंध कैसा संबंध है, ये सममित संबंध, ठीक। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक। संक्रामक संबंध कैसा संबंध भैया, संक्रामक। यही तीन संबंध, और याद रखिएगा ये तीनों अगर हम अलग अलग पहचानना सीख गए तो अगला क्वेश्चन क्या बनाता है, अगला क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध करिए ये संबंध है तुल्यता संबंध। कोई भी एक संबंध आपको दे देगा कि R A से B में या R X से Y में इस प्रकार है, कन्फर्म है, कि कहेगा सिद्ध करो तुल्यता संबंध है। तो आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर हमको तुल्यता संबंध निकालना है, कौन संबंध निकालना है, तुल्यता संबंध, तो वह संबंध तुल्यता संबंध होता है जिसमें ये तीनों संबंध उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सममित स्वतुल्य संक्रामक, सममित स्वतुल्य और संक्रामक। तो आप बताइए तुल्यता संबंध क्या कहलाएगा, कौन संबंध होगा तुल्यता संबंध, विशेष खड़े हुई, हाँ ये बात, जो ऐसा संबंध, सुन लीजिए, ऐसा संबंध जो सममित भी हो, क्या हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो, सममित स्वतुल्य संक्रामक जिसमें तीनों होगा, वही संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। अभी हम 5 मिनट में टू जेड क्लियर कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग उतारेंगे इसको, अगर उतारें तो उतार लीजिए, इतना याद रखिएगा मेहनत करना पड़ेगा। कौन संबंध, सममित स्वतुल्य और संक्रामक, सममित स्वतुल्य और संक्रामक, ये संबंध क्या हो जाएंगे, तीनों जब मिलेंगे तो तुल्यता संबंध बना देंगे। कैसा संबंध बना देंगे, तुल्यता संबंध। तो आइए जहां से प्रश्न बनता है हम आप वहां चलते हैं डायरेक्ट, ठीक। एक देखिए, बिना परिभाषा के हम आपको सिखा देने सममित कैसे चेक करते हैं, ठीक ना। सममित क्या कहता है, जो ए का बी में हो वही बी का ए में, जो हमारा आपसे हो वही आपका हमसे हो, ध्यान देना, जो हमारा आपसे संबंध हो वही आपका। हम कह दे आरसी हमारे साढ़ू तो हम आरसी के साढ़ू, भाई हम आरसी के साढ़ू हैं, साढ़ू हमारे भी हुए ना, वही संबंध है कि नहीं। अब ऐसा नहीं होगा कि कल्लू जो है लल्लन के बेटवा तो लल्लन कल्लू के बेटवा, ऐसा संभव है, नहीं संभव। इसका मतलब एक संबंध जहां जाएगा दूसरा भी वही लौट के आना चाहिए, पक्का ना एकदम। रीता गीता की बहन, तो गीता भी किसकी बहन, रीता की बहन, पक्का ना एकदम, ठीक। आइए, संबंध है फलन ए में, कह रहा है फलन ए है 1 2 3, कितना है 1 2 3, कोई समुच्चय है, इसमें कोई संबंध दर्शा रहा है, उसने संबंध दे रखा है 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3। अब गरज चेक करिए इसमें कौन कौन सा संबंध है, कौन कौन सा नहीं है, मतलब यह स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है, पक्का ना एकदम। तो आप ये समझिएगा, हम इसको जब हल करेंगे तो हम कह दें सममित के लिए, किसके लिए, इतना आप समझ लीजिएगा। सममित कहता क्या है कि जो एक जोड़े में हो उसी के उल्टा दूसरा जोड़ा हमको मिलना चाहिए, तभी सममित होगा, नहीं तो सममित नहीं होगा। कैसे, एक का 2 से है, तो हमने कहा एक का 2 से रिलेशन है कि नहीं, यहाँ पे है, तो अब हम 2 का 1 से ढूंढेंगे, 2 का कहाँ से ढूंढेंगे, 1 से, यहाँ देखो है कि नहीं है, 2 का 1 से है, बताओ, तो चलिए ये दर्शा रहा है सममित। लेकिन यही चीज सब में होनी चाहिए, यही चीज अगर सब में मिलेगा तभी सममित होगा। जैसे 1 का 2 2 से 1 मिल गया, 2 का 3 3 से 2, 2 का 3 है कि नहीं है, आप सुनिए,
अब और देखिए, अच्छा देखिए, एक का एक से उल्टा वही होगा कि नहीं होगा, तो एक का एक से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दो का दो से लिखने की कोई जरूरत नहीं, दो को उल्टा दो लिखा है कि नहीं लिखा है, तीन को उल्टा तीन, इसका मतलब एक चीज आपको एकदम से क्लियर हो गई कि हम सममित कैसे चेक करते हैं। पहला दूसरा अगर जो लिखा हुआ है तो दूसरा पहला भी उसी सेट में आपको मिलना चाहिए, उसी संबंध में आपको मिलेगा तो सममित होगा, नहीं तो सममित नहीं होगा। क्लियर एकदम से? फिर से देखो, एक दो हमने पकड़ा तो हम इसी में चेक कर रहे हैं, जहां एक दो है कि वहां दो एक है कि नहीं, देखो एक दो, पक्का, दो तीन, तीन दो है कि नहीं, जो संबंध दो का तीन से वही संबंध तीन का दो से है। फिर अगला, एक एक का वही बनेगा, कोई मतलब नहीं, इसको नहीं चेक करते, एक एक दो दो वाला, ठीक ना। आप ये समझिए, पहले सममित है 100%, ये कैसा संबंध है जो लिखा हुआ है, सममित संबंध। अब हमने कहा स्वतुल्य, क्या कहा भैया, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। आइए देखते हैं, स्वतुल्य मतलब स्वयं के जैसा, उसी का उसी से, उसी का उसी, पक्का ना एकदम, उसी का उसी से। तो आप ये बताइए, एक का एक से है कि नहीं, एक का एक से है, दो का तीन का, लेकिन अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक का दो से, एक का, तो जो संबंध एक का दो से है, एक का किससे है, वही संबंध एक का एक से है कि नहीं, बता दीजिए। परिभाषा ये कहती है कि ए का जो संबंध बी से हो वही संबंध ए का ए से हो, तो जो एक का संबंध दो से है वही दो का एक का संबंध किससे है, एक से। आप ये देखो, दो का जो संबंध किससे है, दो का जो संबंध भैया तीन से है, वही संबंध दो का दो से है कि नहीं, बता दो। स्वतुल्य, स्वयं के जैसा, किसके जैसा, पक्का एकदम। अब सुनिए, तीन दो कौन, आप बता दीजिए, जो संबंध तीन का किससे है, दो से है, वही संबंध तीन का तीन से है कि नहीं, बता दीजिए। तो कहने का मतलब आप देखिए, एक एक दो दो तीन तीन मिल रहा है कि नहीं, सममित में क्या होता है, उल्टा चलता है, जो एक का दूसरे से हो तो वही दूसरे का पहले से भी दिखना चाहिए, पक्का ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्वतुल्य में क्या होगा कि उसी का उसी से, उसी का एक एक दो दो तीन तीन मिल गया कि नहीं मिल गया, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कभी भी स्वतुल्य नहीं होगा। इसका मतलब ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है। क्या संबंध है, तो आप बताइए, ये जो संबंध दिया हुआ था इसमें सममितता भी है और स्वतुल्यता भी है, सिर्फ एक चीज हमको चेक करना है, कौन सी चीज, अब इसको मिटा दीजिए, ठीक, संक्रामक के लिए। अब सुन लीजिए, संक्रामक का रूल क्या है, संक्रामक किसके लिए, संक्रामक के लिए भैया जोड़े बनते हैं, जैसे पहले सुन लीजिए, संक्रामक की जो परिभाषा होती है, पहले वो चीज देखिए, ए का जो संबंध बी से है वही बी का, मतलब देखिए, जो पहला दिया रहेगा संबंध, जहां पे खत्म होगा अगला वहीं से शुरू होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ए का बी से, बोलिए ए का, तो वही बी से कहां शुरू होगा, सी से, बी का सी से, तो लास्ट में रिजल्ट हमको क्या मिलना चाहिए कि ये बी बी कॉमन हो गया कि नहीं, बोलो, बी बी कॉमन हो गया, तो वही रिलेशन ए का। इसका मतलब हम दो जोड़ा पकड़ेंगे पहले, और ऐसा जोड़ा पकड़ेंगे कि जहां पे एक का खत्म होगा वहीं से दूसरे का शुरू होगा, जहां से एक का खत्म होगा वहीं से दूसरे का, और फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट का अगर रिलेशन बन जाएगा तो वह संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। और एक चीज ये समझिए कि संक्रामक का मतलब होता है फैलना। अच्छा बताओ, कोरोना बीमारी चल रही है कि नहीं, अगर हमको कोरोना हो जाए, हम जाएं किसी को छू दें, हम मान लो हम लुस्सी को छू दिए, तो लुस्सी भी फैल गए कोरोना में, लुस्सी ने पुस्सी को छू दिया तो उनको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया, तो कहने का मतलब फैल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो सेम टू सेम ऐसा संबंध जो फैले एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो फिर पहले से तीसरे में, पहले से कहाँ, याद रखिए इतना ही इसका बेसिक फंडा है। ये बच्चा इधर देखो, क्या थोड़ा सा बुलाओ, जब तुम्हें नहीं पता बात, ध्यान से देखिए, हमने कहा इसी फंडे पर भैया आईआईटी तक क्वेश्चन बनता है, अभी कहोगे दो तीन क्वेश्चन करके दिखा देंगे हम, यही फंडा होता है। और सुनिए, जेई एडवांस दोनों में आता है, एडवांस में क्या होता है कि एक ऑप्शन सही, दो ऑप्शन सही, तीन सही, चार के चारों सही, या इनमें से कोई नहीं, बात समझे कि नहीं। अब मेंस में केवल क्या होता है, एक ऑप्शन, याद रखिए बच्चा, अभी हम कहेंगे तो 10-5 क्वेश्चन ही कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब आप सोचिए, संबंध फलन लोग छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या संबंध फलन टॉपिक क्या करते हैं, कितना इजी टॉपिक, देख रहे हो कि नहीं। अच्छा, सममितता कैसे चेक करेंगे, उल्टा उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये देखो, हमने ये देखा एक दो लिखा था, हम चेक किए दो एक है कि नहीं, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दो तीन दिखा, हमने कहा तीन दो भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिला कि नहीं मिला,
एक उल्टा एक इसको चेक ही नहीं करना है, दो उल्टा दो इसको चेक ही नहीं करना है, तीन उल्टा तीन पक्का ना एकदम से। तो कहने का मतलब अब स्वतुल्य में क्या होगा, उसी का एक एक दो दो तीन तीन मिला कि नहीं मिला। लेकिन संक्रामक थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, एक जो संबंध होगा जहां से दूसरा क्या होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट मैच करना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आइए हम देखते हैं, इधर देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलो हम एक दो जोड़ा बनाओ, एक दो दो जहां से खत्म हो रहा है देखो कौन कौन शुरू है, ये दो से शुरू है पक्का ना एकदम। एक दो जोड़ा बना लीजिए पहले, एक दो दो एक। अभी इसका रिजल्ट हम देखते हैं इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर एक दो बोलो दो तीन, फिर देखिए एक दो दो वाला पहले पकड़ेंगे, दो दो एक दो एक दो दो दो। अब देखिए अच्छा बताओ ये दो कॉमन हो गया कि नहीं भैया, एक एक मिल रहा है क्या, देखो ये है देख लिए तरीका कि नहीं, संक्रमण कैसे चेक करते हैं, है कि नहीं बोलो इसमें ठीक, ये है ये फिर छूटेगा, एक तीन चेक करो है नहीं है। अगर एक भी गड़बड़ाया, इतना याद रखिए अगर एक भी गड़बड़ाया तो चाहे सब मिल जाएं, लेकिन इसमें एक संबंध ऐसा है कि जो संक्रामकता को नहीं दर्शा रहा है, इसका मतलब ये संबंध हम संक्रामक नहीं होगा। आप बताओ चेक कर सकते हो कि नहीं, इसमें ऐसी कौन सी कठिन चीज बताइए आप, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। जोड़ और सुनो पहले, एक मिनट, दो से दो गया, एक दो है कहीं बच्चा, है ये देखो ना, ये है, ये संक्रामक था, ये भी संक्रामक है, लेकिन समस्या एक जोड़ा नहीं मैच कर रहा था, संक्रामक नहीं है। अब इसी पर नहीं छोड़ देंगे ऐसे, देखो कहां तक चेक करेंगे हम, अभी तो हमने सिर्फ उसको पकड़ा है ना जिसका लास्ट दो से खत्म हो रहा है, जिसका लास्ट दो से शुरू हो रहा है। अब सुनो फिर देखो, हम कह दें दो तीन, तीन पे खत्म हो रहा है तो अगला देखो ये तीन से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी चेक कर लीजिए, दो तीन और तीन दो, तो आप बताओ तीन से तीन गया कौन बचा, है क्या भैया, है ये संक्रामक है, पकड़ लिया कि नहीं। देखो ये कह क्या रहा है, समझो अगर ध्यान से बात को, जो संबंध दो का तीन से है वही संबंध तीन का दो से है, तो वही संबंध दो का दो से, कोई दिक्कत किसी को, कितना ईजी है, देख रहे हो कि नहीं। फिर से देखो एक बार, दो का तीन से, फिर देखो तीन से और कोई स्टार्ट है इसमें, ये तीन तीन, आप हमें ये बता दो ये तीन तीन गायब हो गया क्या, दो तीन देखो अच्छा कहीं लिखा है दो तीन इसमें है, ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है, सिर्फ एक जोड़े ने बर्बाद कर दिया इसको, कई जोड़े ने, सही है कि नहीं, कि एक मछली तालाब को क्या करती है, तो एक पॉइंट न मिलने की वजह से याद रखिएगा ये संक्रामक नहीं बन पा रहा, नहीं संक्रामक भी हो जाता। और जहां तीनों संबंध होंगे, कौन संबंध, कौन कौन, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, वो संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध, कंफर्म है। तो ये तीन नंबर से पांच नंबर तक क्वेश्चन आपका बनता है, कहेगा सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध है। फिर से देखो एक बार, इसका और कोई जोड़ा बच रहा है क्या भैया, दो तीन वाला देखो कोई बच रहा है, तीन दो और मास्टर माइंड बना देंगे, ध्यान से देखिएगा बस आप, एक एक हम ये देखे, एक जहां पे खत्म हो रहा है अगले वाले में, इसी में हमने चेक किया वहीं से एक शुरू हो रहा है कि नहीं, अगला जहां खत्म हुआ वहीं से अगला शुरू हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये गया कौन बचा, दिख रहा है क्या, देखो दिखा, तो आप बताओ संक्रामकता चेक करने का तरीका आ गया कि नहीं आपको, बोलिए कितने लोग कह रहे हैं चेक कर लेंगे, हाथ ऊपर करिए, चेक कर लेंगे ना। देखो सममित में क्या होगा, उल्टा, अगर कहीं लिखा है ए बी तो उसमें बी ए होना चाहिए, अगर कहीं लिखा है ए सी तो उसमें सी ए होना चाहिए, अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ाया तो सममित नहीं होगा। स्वतुल्य में क्या होगा, ए ए बी बी सी सी, एक एक दो दो तीन तीन चार चार उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो कभी स्वतुल्य नहीं होगा, पक्का एकदम। और संक्रामक में क्या होगा, एक जोड़ा जहां से खत्म हो रहा है अगला जोड़ा वहीं से शुरू हो, वो कॉमन वाला अगर हम निकाल दें तो फर्स्ट और लास्ट भी उसमें क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर आप पास बुकलेट हो थोड़ा हमें दीजिए, चार छह क्वेश्चन हम कर दें बढ़िया से एकदम। जैसे देखिए एनसीईआरटी में प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए समुच्चय एक दो तीन में, समुच्चय एक दो तीन में प्रदत्त संबंध आर बराबर इतना एक सममित है किंतु स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत, इतना याद रखिएगा, ध्यान नहीं देंगे तो वही चीज गड़बड़ होने लगेगी, ठीक ना। हाँ आइए, ये एनसीईआरटी सभी लोग ध्यान देंगे, एनसीईआरटी का 1.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6, तो सभी लोग अपनी बुकलेट से मिला भी सकते हैं,
जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ऑफलाइन वाले तो देख ही रहे हैं, ठीक है। आइए, कह रहा है एक समुच्चय है, हमने मान लिया कि समुच्चय एक दो तीन है, वो एक संबंध दे रखा है आर, कह रहा वन टू टू वन, वन टू टू वन, कह रहा सिद्ध करो सममित है, सिद्ध करो क्या है सममित है, लेकिन स्वतुल संक्रामक नहीं है, तो हम इसे देख के बता देंगे भाई सममित के लिए, किसके लिए आप बता दो, अगर हम सममित की बात कर रहे हैं तो हमने यही सिखाया है ना, एक दो है कि नहीं आप बता दो, हमने कहा वन टू एलिमेंट है आर का कि नहीं, तो यार टू वन भी तो एलिमेंट है आर का, एक का जो संबंध दो से वही संबंध दो का एक से, अतः सममित है कि नहीं है, अतः सममित है, पक्का भैया। फिर देखो स्वतुल्य के लिए, किसके लिए स्वतुल्य के लिए आप ही बता दो, एक का दो से पक्का, एक ही जोड़ा है तो हम अपने हिसाब चलेंगे, एक का दो से और दो का एक से, हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था जहां से फर्स्ट वाला खत्म होगा अगला वाला वहीं से क्या होना चाहिए शुरू, तो आप बताओ दो दो कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलिए दो दो कॉमन मिल गया, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए था वन वन, आप बताओ इसमें कहीं वन वन है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये संबंध कभी भी स्वतुल्य नहीं, तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये संबंध सममित है ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक, तो आप हमको ये बताइए एक संबंध क्लियर हो गया क्या है ये स्वतुल्य नहीं है, छोड़ दीजिए, अगला किसके लिए संक्रामक के लिए, आप बताओ क्या कठिन टॉपिक है क्या ये, बोलो भाई संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक क्या कहता है, एक मिनट दो, ये तो संक्रामक कर दिए थे क्या यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना, ये ध्यान नहीं दिए, आप बताइए अभी उधर स्वतुल्य निकाल देंगे, दो का दो से, दो का दो से, दो दो से कट गया, वन वन बचा कि नहीं बचा, तो अगर वन वन इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, 100% क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं स्वतुल्य, तो आप समझिए अगर हम स्वतुल्य की बात करेंगे, स्वतुल्य तो स्वतुल्य में क्या होता है कि एक दो तीन है, एक दो तीन है कि नहीं, तो स्वतुल्य कहता है भाई स्वयं के जैसा, कैसा संबंध स्वयं के जैसा, अगर स्वयं के जैसा बनाएगा तो वन वन टू टू थ्री थ्री दिखना चाहिए कि नहीं उसमें, सत्य एकदम सिंपल रूल है वन वन टू टू थ्री थ्री, वन वन टू टू, तो आप बता दो वन वन टू टू थ्री थ्री कहीं है इसमें, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है, तो क्वेश्चन सिद्ध हो गया कि नहीं, ये जो संबंध दिया हुआ था इस संबंध में सममितता है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामकता नहीं है, पक्का एकदम से क्लियर हो गया। अब संबंध फलन में ध्यान समझिएगा, हम आपको कुछ भाषात्मक प्रश्न बता रहे हैं, भाषात्मक प्रश्न कैसे आएगा, सब तीन तीन चार चार नंबर प्रश्न आएंगे, ठीक, कुछ लोग ध्यान दें पीछे वाले इधर देखिए कि अगर हम भाषात्मक प्रश्न की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा सिर्फ दो मिनट में आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसी के आधार पूरा होगा, वो कहेगा सिद्ध करो तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध कौन संबंध होता है, इसमें तीनों संबंध उपस्थित होते हैं, कितने संबंध है, कौन कौन, सममित स्वतुल्य और संक्रामक, सममित स्वतुल्य संक्रामक जिसमें तीनों होंगे वही तुल्यता संबंध होगा, होगा कि नहीं होगा, आइए तो सममित देखिए, अगर वो देखिए आप इसी समुच्चय में पढ़े होंगे, समुच्चय दो प्रकार का होता है, एक रोस्टर विधि एक समुच्चय निर्माण विधि, कौन विधि, तो रोस्टर विधि में क्या करते हो आप अवयव के हिसाब चलते हो, और समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हो आप कि उसमें भाई इस सस दैट लगा के सारी चीजें, उसको आप कक्षा 11 पढ़े होंगे, हम उस टॉपिक नहीं जाएंगे वो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, सममित के लिए, किसके लिए पक्का, दूसरा किसके लिए स्वतुल्य के लिए, तीसरा यही बेस बना के भी चार पांच क्वेश्चन कर दे रहे हैं, पूरा आपका संबंध क्लियर आधा घंटा में, ठीक ना, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये संक्रामक के लिए, और जहां ये क्लियर हुआ हम तुरंत आपको फलन क्लियर कर देंगे, फलन कैसे पहचानते हैं सह, उसको एक एक क्या है, आच्छादक क्या है, मेनी वन मेनी मेनी सॉरी वन वन, ठीक। सममित के लिए ध्यान से देखिए, अगर हम सममित की बात कर रहे हैं तो इसका यही डेफिनेशन है कि जो रिलेशन ए का बी से होगा, जो रिलेशन ए का बी से होगा, अगर वही रिलेशन बी का ए से होगा तो यही संबंध क्या होगा, पक्का। थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक का जो संबंध दो से था इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने वही ढूंढा कि नहीं, वही संबंध दो का, यार जो एक दो दो एक ए बी बी ए बी बी ए, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बैठ जाइए आगे, हमने कहा ए का जो रिलेशन बी से है भैया वही रिलेशन ए का ए से, अच्छा आप ये समझिए स्वतुल्य, स्वयं के जैसा, स्वयं के, हम कह दें हमारा भार अभिजीत के बराबर है, तो हमारा भार हमारे बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा भार अभिजीत के बराबर, हमारा भार किसी तीसरे के बराबर होगा, हमारा भार तो हमारे भार के बराबर होगा ना, हम कहते हैं हमारी उम्र
किसी किसी का नाम ले लीजिए, लुस्सी के बराबर है, हमारा उम्र किसके बराबर है, तो हमारी उम्र हमारे उम्र के बराबर होगी कि नहीं? मान लो मैं 16 साल का हूँ, मानने में क्या जाता है? क्यों? मान लो मैं 16 साल का हूँ, हमारे लुस्सी भाई भी 16 साल के हैं, तो मैं 16 अपना 16 के बराबर हूँ कि नहीं हूँ? वैसे इतना ज़्यादा दिखता भी नहीं, 16 मान सकते हो। आओ, मैथ माना पे टिका है, मैथ किस पे टिका है, तो मान लिया जाए, क्या दिक्कत है? कहो विशेष, आइए। ए ए, ध्यान सुनो, ए ए, तो इसका मतलब है स्वतुल्य में स्वयं से वही संबंध होना चाहिए जो संबंध हम दूसरे के साथ निकाल रहे हैं, पक्का? और हमेशा पहला एलिमेंट, कौन एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट। ए का बी से था तो हम ए पकड़ेंगे, यहां बी नहीं लाएंगे, ध्यान समझिएगा। अगर बी का ए से होता तो हम बी भी देखते, क्या देखते? बी भी देखे हो कि नहीं? किसकी? हाँ, अभी अपनी देखने लायक नहीं हुए हो, आओ इधर। ये स्वतुल्य होगा, ये रिलेशन जहां हम स्थापित कर देंगे स्वतुल्य हो जाएगा। और संक्रामक क्या कहता है? फैल जाना। संक्रामक क्या मतलब? ऐसा संबंध जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैल जाए। संक्रामक मतलब फैलाना होता है यार, संक्रमण होता है कि नहीं होता है? तो सेम टू सेम हमने कहा ए बी का जो रिलेशन है, अगर वही रिलेशन, इसकी सुन लीजिए सबसे बड़ी खासियत, कि जब हम भाषात्मक रूप से सिद्ध करेंगे तो एक रिलेशन अपने आप से मान लेते हैं, बीच में अगर ए बी है तो सी वाला अपने आप से मान लेंगे, एक्स वाई है तो जेड वाला मान लेंगे, पक्का? पी क्यू है तो क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। मतलब एक दिया रहता है उसको फैलाते हैं दूसरे से तीसरे में, पक्का ना एकदम? ए का बी का, तो वही संबंध ए का, इसलिए अगर वही संबंध ए से सी में आ जाएगा तो हम कह देंगे क्या है? और जहां ये तीनों संबंध उपस्थित होंगे, जहां ये तीनों संबंध एक साथ आ जाएंगे, तो उसी को तुल्यता संबंध कहते हैं। कौन संबंध है? किसी कोई डाउट है? बोलिए बोलिए भाई। तुल्यता संबंध। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। तो हम चाहेंगे कि इसको आप लोग एक बार जो है इसको 2 मिनट में जो है थोड़ा सा उतार लीजिए, 2 मिनट इसको उतार लीजिए बस। ए का बी से, बी का ए से, स्वतुल्य में जो ए का बी से है वही ए का ए से होना चाहिए, और संक्रामक में ए का बी से, बी का सी से, तो जो संबंध ए का सी से आएगा वही संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक। तो इसमें देखिए 5-7 प्रश्न दिए हुए हैं आपके 1.1 में, और यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, इसको मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो आइए 2-3-4 प्रश्न आपको हम करके समझा देते हैं, दिखा देते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे आएगा ये, ठीक है ना? तो पहला प्रश्न है कि R बराबर ऐसे देगा, कहेगा R एक संबंध है, कैसा संबंध है? R एक संबंध है, कैसा संबंध है? कि R A टू B इज सच दैट A बराबर B, ध्यान से समझिएगा। R एक ऐसा संबंध है A और B के बीच, कह रहा है कि इस प्रकार है, जो संबंध है इस प्रकार है कि A बराबर B, A बराबर B। इससे हम आपको एक ट्रिक भी बता देंगे कि जहां अगर समानता का संबंध आएगा, सबको करने का तरीका यही रहेगा, कह देगा कि R, सुन लीजिए पहले एक दो प्रश्न और देख लीजिए इसी पे, इसका टाइप समझिए, एक ठोकर देंगे सब हो जाएगा, ठीक? कह देगा आर एक रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, हमने कहा आर एक ऐसा संबंध है जो एक्स और वाई के बीच है, और कैसा संबंध है? कह रहा है कि एक्स में पेजों की संख्या, कोई किताब है, कोई किताब एक्स है, एक्स में पेजों की संख्या बराबर है किसके? बराबर है वाई में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या के। तो इसका मतलब आप समझिए पहले कि हम करें पेज हो कुछ भी हो, यहाँ मेन संबंध किसका है? समान संबंध है कि नहीं? तो जहाँ समान का संबंध आएगा, सुन लीजिएगा, जिस प्रश्न में हमको ये लगे कि यहाँ समानता का संबंध है, सब प्रश्नों को हम एक ही प्रकार से हल करेंगे। किस तरीके से? करने का तरीका सबका सेम होगा। आइए हम इस प्रश्न को कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक? कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि संबंध R बराबर इतना एक तुल्यता संबंध है। एक कैसा संबंध भैया? तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है, हमको प्रूफ करना है। तो तुल्यता के लिए हमने आपको बताया था 3 कंडीशन होती है, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक। तो हम पहले चेक करेंगे सममित है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। अगर तीनों संबंध आ जाएंगे तो यह तुल्यता संबंध होगा, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो पहला देखिए सममित के लिए, किसके लिए? सममित के लिए, ठीक? आइए, तो हमने कहा कि ए और बी में जो रिलेशन है वो R के अंतर्गत आता है, संबंध R। और कैसा रिलेशन है? कह रहा है A बराबर B। देखिए जो भी संबंध हम अपने से नहीं लिखेंगे कुछ, हम इसको हमेशा देख के चलेंगे कि मतलब समानता का है कि बड़ा है, छोटा है, कैसा संबंध है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमको अपने से कुछ नहीं करना है, पक्का? BA, पक्का भैया?
ए का जो संबंध बी से है तो क्या संबंध था बराबर का, तो अगर ए बराबर है बी के तो बी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, 100% होगा ना, कुछ और एक्स्ट्रा तो नहीं करना है इसमें। अतः क्या है ये सममित है, अतः क्या है सममित है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, अगर हम स्वतुल्य की बात कर रहे हैं तो पहला संबंध जो दिया है उसको तो लिखना ही है, क्यों, क्योंकि इसी के आधार पे हम आप नीचे बढ़ते हैं, कोई भी संबंध हो। ए का जो बी से संबंध है वो रिलेशन में है आर में, ए बराबर है बी के, तो स्वतुल्य मतलब वही संबंध ए का। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइए, अगर यार ए बराबर है बी के, ए बराबर है तो ए ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, हमको बता दें, 100% होगा, 100% होगा कि नहीं, ए का मान बी के बराबर, ए का मान बी के बराबर, तो ए का मान ए के बराबर होगा, तो सतुल्य यही तो कहता है कि जो संबंध हमारा दूसरे से है, जो संबंध हमारा वही संबंध हमारा हमसे, वही संबंध हमारा, तो वही संबंध क्या होगा, अतः सतुल्य है। अतः क्या है ये सतुल्य है कि नहीं है, बस दो मिल गए हैं, एक और निकाल दें, हो जाए तुलता संबंध। संक्रामक, क्या भैया, संक्रामक के लिए आप बताओ, संक्रामक मतलब फैल जाना क्या। अब देखो ये संबंध दो लोगों के बीच था, इसको हम फैला कई लोगों के बीच कर देंगे, पक्का है एकदम। हम कह दें, एक उदाहरण बहुत देते हैं ना आपको, हम कह दें हमारे साढ़ू आरसी, आरसू साढ़ी आरसी का साढ़ू, साढ़ू कोई और हो गया, तो अब हमारा इनका जो संबंध था वो संबंध तीसरे के बीच फैला, तो हम इनके साढ़ू वो उनके साढ़ू, तो हमारे भी साढ़ू हुए कि नहीं, इसका मतलब हमारा संबंध डायरेक्ट तीसरे से हो गया। बोलो भाई, अजय के साढ़ू आरसी, आरसी के साढ़ू विजय, तो अब हमारा इनका संबंध साढ़ू वाला था, इनका उनका संबंध साढ़ू वाला हो गया, तो हमारा फिर अजय और विजय का संबंध भी साढ़ू वाला हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब एक ही संबंध था लेकिन वो दो से तीन लोगों के बीच फैल गया कि नहीं। तो संक्रमक मतलब ऐसा संबंध जो फैले लोगों के बीच में, ऐसा संबंध जो क्या हो जाए। तो अब आप बताओ, ए का जो संबंध बी से है तो बराबर संबंध है कि नहीं, हमने अपने से मान लिया कि वही संबंध किसका होगा, बी और बी और, तो आप हमको इतना बताइएगा बस, ए बराबर बी, ये कॉमन है क्या, कॉमन हटा दीजिए बीच में से, तो वही संबंध ए का पक्का। अच्छा बताओ यार, ए बराबर बी है, बी बराबर सी, तो आप बताओ ए बराबर सी होगा कि नहीं, ए बराबर सी, तो ये तो बराबर आ गया, लेकिन इसको जब हम संबंध में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसलिए ए कॉमा सी, वही संबंध ए का सी से है, जो किसका है, जो किसका है, ए का बी से, बी का सी, संक्रमक हो गया कि नहीं हो गया। आप बताइए कितना कठिन टॉपिक है ये, बहुत कठिन है क्या। एक चीज याद रखिएगा, लग के मेहनत कर लीजिए, मात्र अगर आज से जोड़िए, 8 मई बहुत दूर नहीं है, एक महीना लगभग है 28 दिन, लेकिन 28 दिन में हम ये पूरा आपका संबंध फलन से लेकर के जितने टॉपिक हैं सब टॉपिक कवर करा देंगे। अब पीछे चलेंगे प्रायिकता, पहले प्रायिकता, अवकल समीकरण, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, जितने टॉपिक्स हैं पूरे पूरे टॉपिक कवर कर देंगे, पूरा कंफर्म है ना। और तीन चैप्टर सुन लीजिए मैथमेटिक्स में, केवल तीन चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप झेल जाते हो, कौन कौन से चैप्टर, संबंध फलन है कि नहीं बोलो, दूसरा प्रायिकता, और तीसरा रैखिक असमिका, क्योंकि ये थोड़ा भाषात्मक हो जाते हैं, तो भाषात्मक में आपको क्या होती है दिक्कत, बाकी मैथमेटिकली जो है करना है, जिसको सूत्र लगा के सॉल्व करना उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का ना, कर लोगे ना बच्चा, बोलो ठीक। आओ जन, संक्रामक भी है, क्या है, संक्रामक भी है, तो आप बता दीजिए, हमने आपको कहा था कि ऐसा संबंध जो सममित हो, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, वही संबंध क्या कहलाता है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। जैसे हम आपको एक चीज बताने, सुन लीजिए, हम आप याद कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या याद करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब एक फार्मूला हमारे दिमाग में बैठ गया तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, सब उसी का आधार कर देते हैं कि नहीं। तो जब हमारी समझ में एक चीज ये सेट हो गया है, क्या सेट हो गया, कि जहां बराबर वाला संबंध रहेगा, जहां कौन संबंध, और आपको ये भी पता चल गया, जहां शुद्ध बराबर वाला संबंध दिया रहेगा वो संबंध हमेशा क्या होगा, एक पक्का है कि नहीं। कह देगा अभी यहां कह देता x में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर है, या x में, या कह देगा कि किसी समतल में त्रिभुजों की संख्या दूसरे समतल त्रिभुजों की संख्या की क्या है, बराबर है, कहीं भी अगर समानता का संबंध देगा, बराबर का संबंध देगा, तो 100% कैसा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा कि नहीं, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत है बताइए, तो चलिए इसको जल्दी उतारिए। इस प्रकार इस प्रश्न में आपने देखा कि सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, ध्यान समझिएगा ये समानता के संबंध पर आधारित था कि नहीं। देखो अगर हम अलग अलग टाइप पकड़ेंगे तो एक टाइप पे फिर 10 क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कह देगा कि दो त्रिभुज जिनमें भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान शब्द आया कि नहीं आया, तो समान शब्द आया, तरीका यही है, बस थोड़ा सा बदलेगा। त्रिभुज है तो हो सकता है T1 T2 दे दे, एक्स वाई दे दे, जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ आप बताइए, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए एक संबंध जो R है x और y में, कैसा संबंध है कि कह रहा है x में पेजों की संख्या, मतलब x कोई किताब है, x कोई क्या है, किताब है, जिसमें पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के क्या है, समान। अर्थात x में जितने पेज हैं उतने ही पेज किसमें है, y, अर्थात x और y की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। यही कह रहा है कि नहीं प्रश्न है। अब कह रहा है सिद्ध करिए कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे होगा। ये मेन यहाँ पकड़ने वाला टॉपिक कौन सा है, समान। तो देखिए इसको जब हम आप हल करेंगे, ध्यान समझिएगा, किसके लिए, सममित के लिए, फार सिमेट्रिक, यक्स कामा वाई, यक्स का जो रिलेशन वाई से है, तो अच्छा बताइए यक्स में जितने पेज उतने पेज वाई में है कि नहीं, तो यार जितने पेज x उतने पेज y में है, तो जितने पेज y में होंगे उतने पेज बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अतः कैसा संबंध है ये, सममित संबंध है। कैसा संबंध है दूसरा आप बताओ, कैसा संबंध, स्वतुल्य संबंध। कैसा संबंध है, तो स्वतुल्य आप बताइए x का x में होगा तभी होगा ये। ये तो इसे सिंपल समझ सकते हो यार, कि x के जितने पेज हैं y के पेजों की संख्या बराबर है, तो यार x का पेज x के पेज के बराबर होगा कि नहीं होगा। हम कहते हैं x में 10 पेज y में 10 पेज, तो x वाला 10 पेज x के 10 पेज के क्या है, बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब कैसे संबंध है, स्वतुल्य संबंध भी है। बस एक बचा हुआ है कौन सा, संक्रामक। कैसा संबंध बचा है, संक्रामक। तो आप ये बताइए, हम कह दें संक्रामक मतलब फैलने वाला संबंध। कैसा संबंध, जो x से y में था y से फैल के कहाँ जाएगा, z में, y से फैल के कहाँ जाएगा, तो आप बताओ जो संबंध x का y से था वही संबंध y का, तो अगर आप बताओ x बराबर y, y बराबर z है, तो x बराबर कौन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, और होगा 100% होगा, आपको पता है ये चीज़। तो जो संबंध x y में है वही संबंध y का z से है, वही संबंध x का z से है, वही संबंध x का, तो आप बताओ ये संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध है कि नहीं, कैसा संबंध है। तो हमने कहा ऐसा संबंध है जिसमें तीनों संबंध उपस्थित हों, सममित, स्वतुल्य, संक्रामक। सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, तो जिस संबंध में तीनों उपस्थित होगा उसी संबंध को क्या कहेंगे हम आप, तुल्यता संबंध। उसी संबंध को क्या कहेंगे, तो सिद्ध हो गया कि नहीं, तो आप बताइए कर सकते हो ना, कर सकते हैं कि नहीं सब लोग, तो इसका मतलब यह है कि यह एक तुल्यता संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, पक्का है ना, क्लियर है एकदम से, क्लियर है कि नहीं, कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन के होने के बाद ये सममित, स्वतुल्य, संक्रामक जहाँ होगा वो तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक। अब हमने अगला क्वेश्चन आपसे कहा कि सिद्ध कीजिए कि संबंध R बराबर, संबंध R एक ऐसा संबंध जो किसके बीच है, दो त्रिभुजों के बीच है, पहला त्रिभुज T1 है, दूसरा त्रिभुज T2 है। अब कह रहा है कैसा संबंध है, समरूप है, T1 T2 के समरूप, अर्थात त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 दोनों के रूप क्या है, आपस में समान है, एक जैसा है। अच्छा बताओ समरूप, जिनके रूप क्या हो, समान हो, पक्का। तो आप बताओ समरूप मतलब समानता का संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। आइए देखते हैं, यही सब प्रश्न तो आएगा यार, रुके रहिए। हम कह दें सममितता के लिए, तो आप बता दो T1 T2 के समरूप है, यही कह रहा है नहीं रिलेशन, T1 T2 के, आप बता दो अगर T1 का रूप T2 के समान है तो T2 भी T1 के क्या होगा, समरूप होगा कि नहीं। हम कह दें अगर हमारी शकल आपसे मिलती है तो आपकी शकल भी हमसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम आपके जैसे तो आप हमारे जैसे, यही सममित है कि नहीं, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया क्या है, ये सममित है। अब देखो इधर T1 और T2, तो आप बताइए T1 T2 के समरूप है, तो अगर हमारी शकल आपके जैसे है तो हमारी हमारे जैसे होगी कि नहीं होगी, तो इसका मतलब T1 किसके है, T1 वही रिलेशन है कि नहीं बता दीजिए, वही रिलेशन है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, क्या हो गया, स्वतुल्य है। ये क्या है, सममित है,
एक स्वतुल्य था, दूसरा क्या हो गया, सममित हो गया। तीसरा संक्रमक में देखिए, जो संबंध T1 T2 में था उसी संबंध को हमें फैलाना है। जैसे AB था तो हम C लेते थे, X Y है तो क्या लेते थे, Z लेते थे। तो अगर आप बताओ T1 T2 है तो T3 ले सकते हैं कि नहीं, तो जो संबंध T1 और T2 के बीच में है, जो संबंध T1 और T2 के बीच में है, हमने कहा वही संबंध T2 और पकड़ लिए कि नहीं। तो अगर वही संबंध T1 T2 में है, वही संबंध T2 T3 में है, तो आप बताओ T2 T2 कॉमन है कि नहीं, कॉमन हटा दीजिए कौन, इसलिए T1 वही संबंध आएगा कि नहीं आएगा। अतः कैसा है ये, संक्रामक है। क्या है, तो आप बताइए ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जिसमें तीनों संबंध उपस्थित हों, कौन कौन, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, उसी संबंध को हम आप क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। तो आप बताइए, तो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेंगे कि नहीं सब लोग, कुछ भी नहीं, सुन लीजिए एकदम विदाउट प्रेशर, एकदम इत्मीनान से घर पर जाइए और उसको आराम से पूरी प्रश्नावली कर लीजिए, ठीक ना, ताकि हम अगले वाले उसमें क्लास में आपको संबंध, सॉरी हाँ ठीक ठीक संबंध हो गया, फलन सिखा दें पूरा, क्या सिखा दें, फलन कैसे चेक करते हैं, फलन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, एकैकी क्या है, आच्छादक क्या है, बहुएक क्या है, बहुएक आच्छादक क्या होता है, कन्फर्म है कि कैसे फलन बनेगा कैसे फलन नहीं बनेगा। इतना ध्यान दीजिएगा, कार्तिक गुणन से संबंध आया, कार्तिक गुणन से क्या आया, और जब संबंध स्पेशल रूप ले लेता है, संबंध कैसा रूप, उसी को फलन कहते हैं। मतलब देखिए एक टॉपिक बढ़ता चला आया, कार्तिक गुणन से क्या निकला, संबंध, और संबंध से क्या निकलेगा, फलन, पक्का ना एकदम, संबंध अगर समझ गए तो फलन अपने आप आ जाएगा, स्पेशल संबंध ही फलन होता है, स्पेशल संबंध क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को, तो चलिए ठीक इसको क्लियर कर लीजिए इतना। आप 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व कर लीजिए, जो ना आए हमसे कल पूछ लीजिए, ठीक ना, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका।